वरिष्ठ पत्रकार अर्णब गोस्वामी को महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा गैर कानूनी तरीके से उनके घर से उठाने एवं उनके परिवार के साथ मारपीट करने और उन्हें जेल में डाले जाने के विरोध में आज सिवान में पत्रकारों ने महाराष्ट्र सरकार एवं मुंबई पुलिस के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। यह मार्च श्रमजीवी पत्रकार भवन से निकलकर गांधी मैदान के रास्ते होते हुए जेपी चौक तक पहुंचा। आज जो महाराष्ट्र पुलिस कर रही है ये सच बोलने का सजा दी जा रही है। आपको पता होगा कि जिस केस में अर्णब गोस्वामी भी पब्लिक टीवी के जो प्रमुख है उनको गिरफ्तार किया गया है, वो केस 2 साल पहले ही क्लोज कर दिया गया, कोर्ट द्वारा क्लोजर कर दिया गया है। जब से महाराष्ट्र पुलिस को कोई साक्ष्य कोई उनके खिलाफ साबूत नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, चाहे टीआरपी केस हो, आपने देखा होगा कि टीआरपी केस में ये एफआईआर में किसी दूसरे बैनर का नाम था, लेकिन जांच रिपब्लिक टीवी के खिलाफ हो रहा था जिसमें उन लोगों को कुछ नहीं मिला, तो 2 साल पुरानी केस को साजिश के तहत निकाल करके उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये पूरे देश के लोकतंत्र की हत्या है। महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र सरकार चाहती है कि उनके हिसाब से यहाँ पे पत्रकारिता चले या कुछ भी न्यूज चले, तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। मेरे अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है, सुप्रीम कोर्ट पर उस पर फैसला आने वाला है, फैसला आएगा। और आप लोग भी सहयोग से जिस तरह से सिवान के पत्रकार और पूरे देश के पत्रकार एकजुट हो गए, तुरंत अर्णब गोस्वामी बाहर आएंगे, फिर उसी तेवर के साथ किसी भी देश में कोई भी अगर अत्याचार हो अर्णब गोस्वामी ने उठाने का काम किया है, फिर उठाएंगे। और इसी तरह आप लोग का सहयोग मिलता रहे, आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग देने के लिए। देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस को आगे कर अर्णब गोस्वामी जो सच बोलने की ताकत रखते हैं, सच बोलते थे, सच जो न्यूज़ होता था वो दिखाते थे, उसको दबाने की कोशिश की है। और जो केस पिछले 2 साल पहले बंद हो चुका था, कोर्ट ने उसे बंद कर दिया था, उस कोर्ट में महाराष्ट्र पुलिस को आगे कर महाराष्ट्र सरकार ने राजनीति के तहत दुर्व्यवहार से प्रेरित होकर अर्णब गोस्वामी को फंसाने का काम किया। इसके लिए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आज मौन जुलूस निकाले हैं और हम सरकार मांग करते हैं कि अर्णब गोस्वामी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। देखिए, एक पत्रकार के साथ अगर दुर्व्यवहार हो रहा है तो हमारा प्रोटेस्ट करना हमारा धर्म कर्म फर्ज सब बनता है और हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये देश के एक बड़े पत्रकार हैं और देश के बड़े पत्रकार के साथ अगर दुर्व्यवहार किया जा रहा है, पुलिस की मानसिकता इतनी छीण हो जाएगी, एक सरकार की मानसिकता इतनी छीण हो जाएगी, ये बिल्कुल गलत है। और हम लोग समाज के चौथे स्तंभ हैं, हम लोग एक छोटे व्यक्ति से लेकर एक बड़े इंसान तक की आवाज़ को बुलंद करते हैं और हमारी बुलंद आवाज़ करने वाला कोई नहीं है। और ऐसे में सरकार हम पे दबिश बना रही है। ये आज मुंबई में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, कल बिहार में हो सकता है, उत्तर प्रदेश में हो सकता है, ऐसा ना हो इसके लिए हम लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारी स्वतंत्रता छीनी जा रही है। इन सारे मुद्दों को लेकर आज हम लोग अर्णब के साथ खड़े हैं। प्रशासनिक स्तर पे क्या कार्रवाई होगी ये तो कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन पुलिस का ये जो रवैया है गलत रवैया है, एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ इस तरह की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और एक तरह से इमरजेंसी की तरह इसको हम लोग देख रहे हैं। गोस्वामी की गिरफ्तारी के खिलाफ में हम सिवान के सभी पत्रकार आज महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र पुलिस का विरोध कर रहे हैं और इसके लिए हम लोगों ने मौन जुलूस निकाला है। अर्णब जी की गिरफ्तारी भारतीय लोकतंत्र की हत्या है, आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया है। यह आपातकाल का दूसरा एपिसोड कह लीजिए जो कांग्रेस के नेतृत्व में महाराष्ट्र की सरकार कर रही है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। और जिलाधिकारी को हम लोग यहाँ से पत्रकारों का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपेगा, महामहिम राष्ट्रपति से मांग करेगा कि महाराष्ट्र सरकार के ऊपर अति शीघ्र कार्रवाई किया जाए। रिपब्लिक भारत के जो चीफ हैं उनकी गिरफ्तारी, ये पत्रकार की गिरफ्तारी लोकतंत्र की हत्या है और ये हमारे पत्रकारों की आज़ादी को छीनने का ये एक षड्यंत्र है महाराष्ट्र सरकार को, जो झूठे मुकदमे का आरोप लगा करके और एक आतंकवादी के तरह और हथियार के बल पर उनको घर से घसीट करके जो निकाला गया है, ये लोकतंत्र के लिए संसार है। और हम लोग अर्णब के साथ पूरे पत्रकार, पूरे हिंदुस्तान के पत्रकार और सिवान के पत्रकार उनके साथ हैं, उनकी लड़ाई को हम लोग कमज़ोर नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय। देखिए, अर्णब गोस्वामी ने, आप देखिए, वहाँ ड्रग्स का मामला हो, सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड का मामला हो, दिशा सल्यान हत्याकांड का मामला हो, इस मामले को उन्होंने बड़े ही बेबाकी के साथ उठाया और इसमें महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्री फंस रहे थे, महाराष्ट्र सरकार के पुलिस के पदाधिकारी फंस रहे थे। इससे उन्होंने आजिज होकर के, दुर्भावना से ग्रसित होकर के, उन्होंने अर्णब गोस्वामी को उनके घर से उठा लिया, अपहरण कर लिया। हम अपहरण इसलिए कर रहे हैं कि ना कोई वारंट था
और जिस केस की वो बात कर रहे हैं वो 2 साल पहले जांच के अभाव में बंद हो चुका है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है। तो अवैध है इसलिए वह अपहरण हुआ, AK-47 के बल पर एक आतंकवादी की तरह घर से खींच कर ले जाना यह संवैधानिक अधिकारों और लोकतंत्र पर हमला है। और यह अर्णव गोस्वामी पर जो उन्होंने किया है यह हमें इमरजेंसी की याद दिलाती है, जो हमारे पुरखे कहते हैं कि इमरजेंसी कैसा था, हम लोगों ने साक्षात देखा। मैं सरकार से मांग करता हूँ, ऑनरेबल कोर्ट से मांग करता हूँ कि अर्णव गोस्वामी के साथ मारपीट करने वाले, उनके परिवार के साथ, बच्चों के साथ मारपीट करने वाले अर्णव गोस्वामी को अवैध तरीके से जेल में डालने वाले दोषी पुलिसकर्मियों पर अविलंब कार्रवाई हो, उन पर आपराधिक मामला चले, उन्हें सजा मिले और अर्णव गोस्वामी की तुरंत। देखिए, अर्णव गोस्वामी की जो गिरफ्तारी है वो बहुत निंदा करने वाला है, और देखिए लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति जो है वो फ्री प्रेस में जो निहित है, और ये माना जाता है कि लोकतंत्र के एक स्तंभ के रूप में, एक दृढ़ स्तंभ के रूप में जो प्रेस है, और कांग्रेस का ये चरित्र है कि वो हमेशा प्रेस को दबाती है। विश्व के शक्तिशाली देश जो है हमेशा प्रेस को फ्री करते हैं ताकि उनकी जो कमियां हैं वो प्रेस गिनाते रहें और वो उस पर काम करते रहें, लेकिन शिवसेना पहली बार सत्ता में यहाँ आई है, कांग्रेस के साथ आई है, इसलिए अब ये दोनों मिलके बुरी तरह प्रेस को दबा रहे हैं, और उसी की एक छोटी सी कड़ी अर्णव गोस्वामी के रूप में देखा जा रहा है। और अभी आगे आगे देखिए क्या हो रहा है, और हमें लगता है कि कई पत्रकारों को वो इस तरह से और प्रताड़ित करेंगे, और अब ये मामला कोर्ट में है, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर बहुत जल्दी राहत मिलने वाला है ताकि पत्रकार बिरादरी को इससे राहत मिलेगा। लेकिन ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा और शिवसेना द्वारा और ये कांग्रेस के द्वारा बहुत निंदनीय कार्य किया गया है, हम सभी पत्रकार इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। स्वामी जी की जो गिरफ्तारी हुई है लोकतंत्र की हत्या है, चौथे स्तंभ की आवाज़ को दबाने के लिए ये कार्रवाई की गई है। महाराष्ट्र सरकार की इस कार्रवाई की जितनी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये मामला जो है 2 साल पहले बंद हो गया था, उसको रीओपन करके किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना ये सरासर गलत है। हम सभी अर्णव गोस्वामी के साथ खड़े हैं और जल्दी उम्मीद करेंगे कि उनकी रिहाई हो। सरकार की ये पहली बार नहीं है जो कुछ गलत हुआ है, महाराष्ट्र सरकार उस समय भी गलत की जब बिहारियों को खदेड़ने का काम किया, उस समय भी गलत की जब कंगना रनावत ने आवाज़ उठाया था तो उनके कार्यालय को तोड़ दिया गया, फिर उसके बाद सुशांत सिंह केस में भी उल्टा सीधा कार्रवाई की गई, और इन सब मुद्दों को जो आवाज़ उठाता था अर्णव गोस्वामी उसको भी उन्होंने कैद कर लिया है, उन्हें जल्द से जल्द रिहा करें।